पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर करने में भारतीय सेना के एक ऑफिसर की सबसे अहम भूमिका थी, जिस पर अभी विकी कौशल अभिनीत सैम बहादुर मूवी भी रिलीज हो रही है। क्या है इसकी कहानी, चलिए जानते हैं। सैम मानेकशॉ के बचपन से ही बहुत नीडर और बहादुर होने की वजह से उनके चाहने वाले उन्हें सैम बहादुर के नाम से पुकारते थे, लेकिन उनका असली नाम हॉर्मुज जी फ्राम जी जमशेद जी मानेकशॉ था। बचपन में वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने जब इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने गुस्से में इंडियन आर्मी का फॉर्म भर दिया और वो सिलेक्ट भी हो गए। उन्होंने अपने 40 साल के आर्मी करियर में कुल 5 युद्ध लड़े थे। साल 1971 में जब बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करके सिर्फ 13 दिनों में ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसे सैम मानेकशॉ ही लीड कर रहे थे। इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद देश बना था। गाइस, भारत मां के इस बहादुर बेटे को हम सलाम करते हैं। मिलते अगली वीडियो।